Hi. So it's a good day, it's a beautiful day, good evening, wonderful people. Not good evening, bhai. Morning ho gaya, subah ke 4:30 baje hai. So finally, after so long, we are finally going to not another Emirati. अभी हम लोग को ऑफिशियली मेरा तो थर्ड कंट्री है, शुभम भाई का सेकंड कंट्री है. दुबई के बाद अभी सीधा अर्मीनिया जाने वाले हैं. एंड सुबह की 6:30 बजे की फ़्लाइट है. अभी हम लोग हैं शारजा पे एंड काफ़ी पहले आ गए थे भाई, तो ऑलमोस्ट 4:30 हो गए. 1.5 घंटे में अपने को लेना है फ़्लाइट. एंड इस ट्रिप में शुभम के साथ अपने अमित सर और धनश्री मैडम भी है. वो लोग अपना वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं. तो जाते जाते क्या है, सीधे आपको मिलेंगे हम लोग अर्मीनिया में. वहाँ से शुरुआत करेंगे अपने ब्लॉग की. तब तक आप भी सोइए, हम लोग भी मिलते हैं 3-4 घंटे बाद. सी यू. भाई कैसा, अभी सुबह हो गई है और बहुत पूरी लग गई है. पीछे अमित सर और धनश्री मैडम भी है. और भाई ऐसा स्टंट मत मारो, इतना सुबह का फ्लाइट लेके पूरा अभी 24 घंटे हो गए, सोए नहीं है. अभी मस्त फ्लाइट में जाके सोने का है. 3 घंटा तो सो लेंगे. सोम भाई सोने का है. और भाई इतना तो दुबई में ठंडक नहीं था जितना इधर शारजा में ठंड करके रखा है भाई. बिल्कुल फुल एसी ऑन है. और अमित सर के पास तो जैकेट भी था लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है. मैं उनसे लेने वाला हूँ. चलते हैं, मिलते हैं. देवेंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इधर अपना अमित सर लगेज रखते हुए, शुभम भाई अपना कॉल पे, मैम इंतज़ार कर रही है. और हमने यैंडेक्स गो से लिया है भाई. आप कभी भी आना तो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट मत लेना. यैंडेक्स गो करके यहाँ का लोकल ऐप है, तो उसमें आपको काफ़ी सस्ता और सही प्राइस मिलेगा. हम लोग को 1900 दिरहम लगे. एंड वैसे तो वो लोग लोकली यहाँ पे 6000 बोल रहे थे, जो कि हर कंट्री में होता है. लेट्स गो. आधा घंटा का समय लगा टू रीच सिटी सेंटर. एंड 10 मिनट में हम लोग अभी पहुंच जाएंगे. एंड देन वी विल एक्सप्लोर द लोकल होटल ऑप्शन एंड करेंगे लंच. उसके बाद वी विल गो एंड सी द प्रॉपर्टी कि हमें किधर रुकने का है. सो वो भी हम आपको दिखाते हैं. आई विल कीप अपडेटिंग यू. एंड अभी के लिए टेम्परेचर इज 28-29. तो प्लेजेंट मौसम है, बट ओनली डिफरेंस जो मुझे लगा यहाँ पे, धूप बड़ी तेज लग रही है भाई. तो हाथ में अच्छा खासा धूप लग रहा है. एंड मौसम अच्छा है, प्लस मॉनेस्ट्रीज अभी से दिखना स्टार्ट हो गई है. एंड आगे के ब्लॉग में, कई सारे ब्लॉग में आपको बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज में दिखाने वाला हूँ. सो फाइनली वेलकम टू अर्मीनिया, वेलकम टू यरेवन, एंड लेट्स स्टार्ट दिस ट्रैवल ब्लॉग. तो सी यू एट सम होटल. तो भाई अभी एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं. बेसिकली वो हॉस्टल है, तो हमने आने से पहले एक बुक करके रखा था जस्ट टू हैव सम प्लेस. तो इसका नाम है साखराव हॉस्टल. तो ये वर्धमान स्ट्रीट 11 के इधर है. तो वी आर गोइंग देयर. देखते हैं कैसा रहेगा हॉस्टल. नहीं अच्छा लगा तो वी विल सर्च सम अदर होटल और एनी अदर हॉस्टल ऑप्शन. लेट्स गो फाइंड आउट. साखराव हॉस्टल की तरफ प्रस्थान करते हुए शुभम भाई मोर्चा संभालते हुए आगे की ओर. होप ये प्रॉपर्टी अच्छी होगी. लेट्स गो एंड फाइंड आउट. मैं अभी सीन ये हुआ कि जो भी हॉस्टल का नाम था वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा था. तो booking.com पे जो आपको पिक्चर्स दिखाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे फेक रहते हैं.
तो थोड़ा तो डाउट था, लेकिन स्टिल हम लोग को बुक तो करना ही था क्योंकि वीज़ा के लिए हमें चाहिए था। तो अभी यहाँ से सुक्रोव हॉस्टल से रिटर्न हो रहे हैं, अभी जा रहे हैं, करेंगे करेंसी एक्सचेंज, उसके बाद खाएंगे कुछ खाना, उसके बाद देखेंगे कोई अच्छा रहने की जगह। सी यू। तो भाई यार अभी देखो सीन ये है कि हम लोग आगे डोडो पिज़्ज़ा में एंड सारे रेस्टोरेंट कुछ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत दूर थे, 7-8 किलोमीटर दिखा रहे थे। अभी फिर डोडो पिज़्ज़ा में हाँ एक चीज़ जो मुझे अच्छी मिली, मुझे कुछ स्पार्कलिंग जो कार्बोनेटेड था इसने हिला दिया था तो बाहर गिरने वाला था। तो अभी पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, ये मेक माय ट्रिप एंड वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिल गया तो खाएंगे, उसके बाद यहाँ से करने वाले हैं होटल की बुकिंग, जाते हैं फिर होटल लेके चलते हैं आपको। सी यू। भाई अभी सीन ये हुआ है, हम लोग बोमा नायरी होटल में है एंड सीन ये हुआ है कि स्कैम हो गया है। स्कैम ये हुआ है कि हम लोग ने 2 रूम बुक किया इधर एंड booking.com से बुक किया या मेक माई ट्रिप से बुक किया और उसके बाद इधर आने में वो बहाने मारने लगा। तो पहले तो बोला कि एक रूम है, एक रूम नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद उसने स्टेटमेंट बदला, फिर बोला कि अभी 2 रूम नहीं है, फिर थर्ड बोला कि अभी ये होटल छोड़ के हम आपको दूसरे होटल में देते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि इधर पब्लिक ज़्यादा हो गई हॉलीडे की वजह से एंड इन लोग ने लोकली ओवरबुक ज़्यादा कर दिया एंड अभी इनके पास रूम नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सेकंड ये हो सकती है कि इन्होंने सेटिंग वालों को खुद से दे दिया, जिधर जिधर जिस ट्रैवल एजेंट से इनका सेटिंग था और ओवरबुक करके रख दिया। तो हम लोग अभी स्टिल वेट कर रहे हैं लोग किधर तो भेजेंगे हम लोग को, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्टिल अभी स्कैम ही है। उधर भी जाएंगे, उधर भी कोई पक्का नहीं है कि ये रूम मिलेगा, देखते हैं, वी आर जस्ट वेटिंग। तो मेरे तो सजेशन ये रहेगा आप लोग के लिए कि भाई आप आगे से आके यहाँ पे ही पे करके होटल्स लो, ये booking.com और MMT के भरोसे मत बैठो, आपके पैसे चले जाएंगे प्रीपेड में एंड फिर इधर आके ये सब सीन होता है। अभी इधर बहुत सारी पब्लिक है, सब वेट कर रही है, किसी को रूम नहीं मिल रहा है। दिखाता हूँ सीधे, लो भाई पूरी पब्लिक सब वेट ही कर रही है रिसेप्शन पे, किसी के पास कोई रूम नहीं है। देखते हैं यार अभी किधर जाते हैं, देखते हैं रात को देखते हैं। अभी खाना तो खा लिया है, बस रात में सोने का ठिकाना देखने का है। फिर आज का तो हम लोग का दिन पूरा उसमें ही स्किप हो गया, पूरा दिन खराब हुआ हम लोग का इसमें। लेट्स सी। तो भाई कैसा, बोमा में जब स्कैम हुआ तो स्कैम होने के बाद हम लोग को वही मतलब होटल ने हम लोग को दूसरे जगह अरेंज करा के दिया। तो हमें अरेंज करा के दिया एक ल्यूक्स कैसल करके, तो ल्यूक्स कैसल में अभी के लिए ठहरे हुए हैं एंड जाते हैं यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं स्क्वायर, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, फिर वहाँ से हम आपको और जगह एक्सप्लोर कराएंगे। चलते हैं, सी यू। अभी एक साथ सुपरमार्केट में आए थे एंड यहाँ पे हमने आर्मेनिया में आके क्या खाया है, उबला आलू, बैगन का भरता और चावल। अभी यहाँ पे आर्मेनियन में इसको लोकल इनका क्या फूड है वो तो हमने नहीं पूछा, कुछ तो रशियन में आर्मेनियन में लिखा हुआ था, लेकिन बैगन का भरता डिलीशियस था एंड आलू भी इन्होंने अच्छा आलू पूरा उबाल के थोड़ा मसाले डाल दिया, वाइट राइस पे अच्छा था एंड प्लस शुभम लोगों ने तो चिकन के कुछ कुछ तो आइटम लिए हैं वो भी अच्छे थे, प्लस एक चीज़ का कुछ ये मैं दिखा देता हूँ, ये इन लोग अच्छा लगा, ये दिस इज चिकन विद चीज़ और ये जो कटनी रहे वो मेहनत करना पड़ रहा है और इसका तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्विक बाइट हमने ले लिया है, इसके बाद हम लोग चलेंगे किधर जाएंगे,
कोई तो स्क्वायर है, स्क्वायर जाएंगे फिर वहाँ पे करेंगे थोड़ा एक्सप्लोर। सी यू। भाई 8 बज गए लेकिन लग ही नहीं रहा है कि 8 बज गए हैं। हाय, सो भाई मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, मैं अभी जस्ट रिपब्लिक स्क्वायर पे आया एंड रिपब्लिक स्क्वायर पे आने के बाद मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। तो जब मैंने बेल पे ध्यान दिया तो मैंने देखा यार शिट ये तो 8 बज गए एंड लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार 8 बज गए। एंड 8 बजे इवन दुबई में इंडिया में तो फुल अंधेरा ही होता है, फुल रात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे यार आप मौसम देखो 8 बजे मतलब लग ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार शाम हो रहा है। एंड बहुत ही खूबसूरत सी जगह है यार, यहाँ पे पीछे पूरा फाउंटेन है एंड ये कुछ तो रिपब्लिक स्क्वायर का बिल्डिंग है, पीछे अगेन ये कुछ म्यूजियम एंड आई थिंक कुछ गैलरी ऑफ आर्मेनिया करके है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्मेनिया है। एंड काफ़ी सही है यार, सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए शॉकिंग ये था कि 8 बज गए एंड अंधेरा ही नहीं हुआ। सो अभी मैं सामने एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैक सा बिल्डिंग देख रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जाके देखना है यार, वो बहुत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग है। एंड यहाँ की खासियत ये है यार कि बिल्डिंग्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक बिल्डिंग्स यार बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लाइक यू सी द आर्किटेक्चर, यू सी द यहाँ की जो नक्काशियाँ हैं, ब्यूटीफुल, बट विल गो टू दैट ब्लैक बिल्डिंग। ये मुझे कोई तो भाई एक स्टैचू दिखा है, वैसे मैं इसको इनक्रिप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या दर्शा रहा है। एक इंसान है, उसके ऊपर से उसके कपड़े, आई थिंक वो कुछ तो नीचे करने की कोशिश कर रहा है, माइट बी ही इज सिंबलाइजिंग समथिंग। एंड ये जो स्टोन है आई एम एज्यूमिंग कि आई डोंट नो, ज़्यादा एज्यूम नहीं कर सकता, बट इट्स रियली गुड स्टैचू। बाय बाय अंकल, सी यू। भाई अभी कैसा रिपब्लिक स्क्वायर तो हो गया है एंड काफ़ी सही था यार, काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ पे। फाउंटेन शो के लिए मे भी हम लोग दोबारा जाएंगे एक बार, थोड़ा देख लेंगे वहाँ का क्या नज़ारा है। एंड अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं टूफेन कियान हेरिटेज होटल, वहाँ पे देखते हैं चेकआउट करते हैं मिलता है कि नहीं, अगर मिल जाएगा तो एक दो दिन का स्टे हमारा उधर ही रहेगा एंड उसके बाद का फिर प्लान वी विल फिगर इट आउट। लेट्स गो एंड लेट मी शो यू टूफेन कियान का हेरिटेज होटल। सी यू। कैसा इंडिया छोड़ के आओ ना तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मिस होता है, वो है चाय। अब आपको याद होगा एक बार मैंने अपने दुबई के ब्लॉग में बोला था कि यार भाई 5-10 किलोमीटर चले गए कोई चाय की टपरी नहीं मिली है, एंड सेम यहाँ पे भी हो रहा है, चाय नहीं मिल रही है। तो देखते हैं, एक कॉफ़ी अभी हम लोगों ने ट्राई किया था एसएस फूड कोर्ट में, तो कॉफ़ी भी उतनी अच्छी नहीं थी, देखते हैं कोई तो टीम मिलेगा तो बैठते हैं थोड़ा चाय पे। तो भाई यही होटल है एंड मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कल के दिन का, कल लोग इसमें चेक इन करेंगे एंड वी विल have a stay for another 2 days and 2 nights. Toofen Kyan hotel ka naam hai and this is a heritage hotel and also a Toofen Kyan building in Yerevan. To ye hotel mein hum log rukne wale hain and price wise hum log ko pad raha hai 200 dirham per day, to approx 420 dirham per day ka aa raha hai, to ek room mein hum log do log rahenge to 210 dirham per day ka kharcha aayega, but it is really worth it. वर्थ इट है भाई ये होटल में रुकने का एंड हैविंग योर स्टे फॉर इन योर ट्रिप। आज के रात का खाने का इंतजाम जो डिनर है वो इधर ही है, इंडियन महक रेस्टोरेंट, लेट्स गो एंड एंजॉय। स्टार्ट
स्टार्टर के साथ शुरुआत करते हुए, रंग बिरंगी चटनियाँ, हरी लाल और काली एक और शुभम भाई ने हमारे पकड़ों को छुपा के रखा हुआ है, पकड़ों को ले भी रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। ये बेसिकली ऑनियन है, स्पिनेच है, आलू भी है, ऐसा उसने बोला था, आलू भी है इसमें, आगे देखते हैं। तब मैं मेन कोर्स में है, क्या क्या है, मटर राइस, जीरा राइस, ये अपना चिकन टिक्का मसाला, अभी ये देखते हैं ये चिकन पका है कि नहीं पका है। इसके पहले वाला का तो फीडबैक था कि चिकन पका नहीं था, ये अपना पनीर तो वैसे पका रहेगा, अपने को टेंशन नहीं है। और इधर ये दाल तड़का, और इधर सब अपने लोग बैठे हुए खाने को वेट कर रहे हैं कि मेरा वीडियो ख़त्म हो तो सब लोग खाएं। शुरू करते हैं। डिनर मस्त किया इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया, कुछ नहीं बस अब यहाँ से निकलेंगे, होटल पे जाएंगे एंड फिर कल का दिन जो डे टू होने वाला है वो धमाकेदार होने वाला है। तो स्टे ट्यून एंड डे टू के ब्लॉग को आप देखो, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ मॉनेस्ट्रीज टुमारो। सो ठीक है, गुड नाइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।